मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सेंट्रल जेल में कैदियों ने जन्माष्टमी की तैयारियां की। वहीं इस मौके पर जेल बंदियों को मध्य प्रदेश के जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जेल बंदियों को बड़ी राहत दी। देखिए रिपोर्ट। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा ऐलान, प्रदेश भर के कैदियों की 30 दिन की सजा माफ, 5,000 कैदियों को पेरोल। जो कैदी दंडित है, जिसको सजा हो चुकी है, मैं आज घोषणा करता हूं कि उनकी सजा भी 30 दिन की माफ। जी हां, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा ऐलान करते हुए प्रदेश भर के कैदियों की 30 दिन की सजा माफ कर दी, साथ ही 5,000 कैदियों को पेरोल दी। इतना ही नहीं, प्रदेश के जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 10,000 कैदियों की जमानत के लिए प्रस्ताव न्यायालय को प्रेषित किए जाने की बात भी कही। मन अज्ञात आशंका और कुशंकाओं में उसका झूलता रहता है, कैसे भी बाहर जाना चाहते हैं, अनजाने में बिन चाहे ही भूल कोई हो जाती है और जीवन के कुछ क्रूर पलों में बुद्धि हमारी सो जाती है। या जो कहें कि भूल जाने के लिए एक उम्र भी कम है, पर एक भूल ही काफी है उम्र भर के लिए। हमने लगभग 5,000 दंडित कैदियों को पैरोल की व्यवस्था भी कराई थी। अभी 10,000 कैदियों के प्रस्ताव जमानत के लिए भी हमने सरकार की ओर से प्रेषित किए हैं। साथ ही उन्होंने जेल में बंद कैंटीन को खुलवाने की बात भी कही। उपवास रखने की सामग्री रखी जाएगी, जिसका उपवास नहीं होगा उनके लिए पकवान की व्यवस्था भी की जाएगी। भगवान श्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उपवास अगर है तो उपवास का सामान, और उपवास नहीं है तो पकवान मिल जाए। दोनों ही बातें दीदी की शराब होते हैं, दोनों ही मान ली जाए। एक साथ अभी उन्होंने और कही के यहाँ पर कैंटीन बंद हो गई है, तो आज ही घोषणा करते हैं कि निश्चित सामानों के साथ कैंटीन चालू कर दी जाए। जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कैदियों के बीच पहुंचे, कैदियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय जेल में कैदियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। बता दें कि पुरुष कैदियों ने कृष्ण भजन नाटक और कृष्ण अर्जुन संवाद का प्रस्तुतिकरण किया। ND24 भाग्यारी संग झूमे गिर।